प्यारे बच्चों, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रेडिट मे बी यूजफुल और मे पुट द क्रेडिटर इनटू ए डेबिट ट्रैप, एक्सप्लेन। दूसरे टाइप से ये आ सकता है, क्रेडिट इज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। ऋण लाभदायक हो सकता है, अर्थात कर्जदार को कर्जदार में फंसा सकता है। व्याख्या कीजिए, ऋण लाभदायक और हानिकारक भी हो सकता है, यह परिस्थिति के खतरों पर निर्भर करता है। उदाहरणों सहित कथन की पुष्टि कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, क्रेडिट इज ए वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। द क्रेडिट हेल्प्स द फार्मर्स टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसिज ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयर बाय इंक्रीज हिज अर्निंग्स। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। ऋण कार्यशील पूंजी है जिसकी आवश्यकता उत्पादन के लिए होती है। ऋण उत्पादन पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए किसान की मदद करता है। समय समय पर तैयार होती है, समय समय पर फसल तैयार होती है, उसकी आमदनी बढ़ जाती है। इस प्रकार ऋण इस स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका निभाता है। सेकंड पॉइंट है, द फेलियर ऑफ क्रॉप मे पुश द बोरोवर इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। इन मैनी केसेस फार्मर्स नीड टू सेल पार्ट ऑफ लैंड टू रीपे द लोन। फसल के बर्बाद होने पर कर्जदार ऐसी स्थिति में आ जाता है कि कर्ज की अदायगी असंभव हो जाती है। कई बार किसानों को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है, वेदर द क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। ये आपका क्वेश्चन है, तीन पॉइंट में शॉर्ट क्वेश्चन है, तीन नंबर में आता है ये, तो इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे।